नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़ और मैं मेरे सहयोगी निरंजन के साथ दीपक दहिया। चुरू जिले के बैसली गांव का मामला पूरे राजस्थान के साथ साथ हरियाणा और सीमावर्ती राज्यों में भी काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा। पुलिस ने अब इस मामले पर पूरा पर्दाफाश करते हुए इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आज इसका खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि रहस्यमयी आग लगने की घटना से पहले इस परिवार में 3 मौतें हुई थी। पहली मौत कस्तूरी, जो कि भूप सिंह की दादी थी, उसके बाद भूप सिंह के 2 बच्चों की 15 दिनों के अंतराल में 2 मौतें, और उसके बाद 28 फरवरी से अचानक घर में रहस्यमयी आग लगने की घटनाएं घटने लगी। इस पूरे मामले में गांव और लोगों के नज़रों में यह कोई तांत्रिक विद्या या भूत प्रेत के साय की वजह से होना था, लेकिन IPS प्रशांत किरण ने इस मामले पर हमें एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यह किसी प्रकार की भूत प्रेत या तांत्रिक विद्या से जुड़ी हुई घटना नहीं है, इसे अंधविश्वास के तौर पर नहीं लिया जाए। इस घटना का खुलासा करते हुए आज पुलिस ने बताया है कि इस पूरे मामले का षड्यंत्रकारी जो है, इस पूरे मामले का षड्यंत्र रचने वाला है, वो उन 2 बच्चों का बाप भूप सिंह ही था। जी हाँ, पुलिस ने वहाँ से जो सोडियम है वो भी बरामद किया बताया जा रहा है और भूप सिंह ने ही इन 3 हत्याओं को अंजाम दिया था, इसका खुलासा पुलिस ने किया है। आखिर ऐसा भूप सिंह ने क्यों किया, यह बड़ा सवाल है। इस पर भी पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि भूप सिंह को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और वह उन 2 बच्चों को भी अपना नहीं मानता था, इस वजह से उसने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया। इन 3 मौतों के बाद इन मौतों को तांत्रिक विद्या से जोड़ करके लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इस प्रकार की आगजनी की घटना को विज्ञान के सहारे, सोडियम के सहारे इस घटना को पूरा अंजाम दिया गया। तो ये थी पूरी कहानी बैसली गांव में रहस्यमयी आग लगने और 3 मौतों के पीछे की। तो भूप सिंह ने इन 3 मौतों पर पर्दा डालने के लिए घर में अलग अलग जगहों पर सोडियम केमिकल से आग लगाना शुरू किया और लोगों को मूर्ख बनाना शुरू किया। कुछ हद तक लोग इस घटना को भूत प्रेत और तांत्रिक विद्या से जोड़कर देखने लगे थे, लेकिन हमने जब इस पूरे मामले की पड़ताल अपने स्तर पर करना शुरू किया तो हमें पता चला कि भूप सिंह के छोटे बेटे की मौत होने से पहले वह अपने बच्चे को पिलानी के कल्पवृक्ष अस्पताल लेकर गया था, जहां डॉक्टर करण बेलिंगवाल ने उसी समय भूप सिंह को बताया था कि बच्चे ने कोई पॉइजन यानी जहर खाया है, इसे एडमिट करवाना होगा, लेकिन भूप सिंह उसे वहां से लेकर चला गया, जहां अनेकों मीडिया चैनल इसे तांत्रिक और भूत प्रेत से जोड़कर ही दिखाने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे एक्सपर्ट पुलिस के साथ साथ तथ्यों की तरफ ध्यान देकर इस पूरी घटना को क्राइम एंगल से देख रही थी। आज इस मामले में पुलिस ने भी पूरी तरह खुलासा कर दिया है, जिसमें इसके साजिशकर्ता भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज के समाचार में बस इतना ही। तथ्यों और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद।